अब परमात्मा कबीर जी क्या बताते हैं, गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी की लीला अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध की है। मोहम्मद बोध सुनो ब्रह्म ज्ञानी, शंकर द्वीप आए धुन ध्यानी, लोक दीप को हम ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज देई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे, चार यार मिल मसलत भीनी, गऊ पकड़कर बिस्मल की नी, तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हम बेग जवाई, तब मोहम्मद कर निश्चय आई, तुम सत कबीर अल्लाह दरवेशा, मनी मोमन मोहम्मद का गया अंदेशा, दास गरीब अनहद थीरम, बजलो सतनाम और सत कबीरम। अब यहाँ गरीबदास साहिब जी ने स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर हजरत मोहम्मद जी को मिले और उनको अपने सतलोक में लेकर गए, लोकदीप। यहाँ एक ब्रह्मांड के अंदर एक राजदूत भवन है, जैसा प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का होता है, यहाँ इस ब्रह्मांड में परमात्मा का एक अलग ठिकाना है। उसको ना ब्रह्मा जानता, ना विष्णु, ना शिव, और काल भी उस वहाँ नहीं पहुँच जा पाता। तो वहाँ परमात्मा कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गयो, और इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी के यहाँ पर लाखों अनुयायी हो गए थे, लेकिन वहाँ वो अपनी सभी इच्छा से रहा नहीं। जब तक इच्छा वहाँ रहने की होगी नहीं तो परमात्मा रख नहीं सकते। कहते उल्ट मोहम्मद महल पठाया, उल्टा इस शरीर के अंदर उसको भेज दिया, उसकी आत्मा को लेकर गए थे। और कहते हैं उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी ने आप जी को गौ या कोई भी पशु बिस्मल करने के लिए नहीं कहा, उसने केवल रोजा रखने के लिए और बंग और नमाज, मस्जिद में ऊपर चढ़कर आवाज लगाने को और केवल नमाज करने को ही कहा था, किसी गऊ को मारने के लिए नहीं कहा था। क्या था, एक बार क्या हुआ कि हजरत मोहम्मद जी जब परमात्मा से मिलकर वापस उनको ले गए थे ये परमात्मा कबीर जी, तो कुछ समय मालिक के साथ रहने से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। वो परमात्मा इतना सिद्धि संपन्न है, जैसे चुंबक के साथ लोहे का टुकड़ा भी कुछ समय रखा रहे तो अस्थाई चुंबक बन जाता है, ऐसी सिद्धि हजरत मोहम्मद में आएगी। हजरत मोहम्मद जी एक दिन बैठे थे और उन्होंने किसी के बकरे को मार दिया अपनी सिद्धि से, और बकरा मर गया। अब वो व्यक्ति रोने लगा कि स्वामी जी मेरे पास थे, ये गरीब के पास एक दो बकरे हैं और ये मर गया, मेरा क्या होगा। तो उसने सिद्धि से उसको, और भी बहुत से कुछ व्यक्ति वहाँ थे, चरवाहा भेड़ बकरियाँ ज़्यादा पालते हैं वो लोग, तो उस हजरत मोहम्मद जी ने उसको जीवित होने का आदेश दे दिया, वो जीवित हो गया। तो उस व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जितने भी मुसलमान उसके अनुयायी वहाँ खड़े थे 10-20, उनकी भी आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सब जगह नगर नगर में ढंडोरा पीट दिया कि हमारे हजरत मोहम्मद जी नबी हैं और इन्होंने बकरे को जीवित कर दिया मार के। अब इस बात का तो दूसरे लोगों ने विरोध किया कि झूठ बोलते हो, ये हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा कर देगा तो हम इसको मान लेंगे। तो इस बात का विरोध होते देखकर चार पांच व्यक्ति मिलकर हजरत मोहम्मद जी से प्रार्थना की
तो हजरत मोहम्मद जी ने कह दिया कि कहने लगे जी ऐसे ऐसे वो लोग कह रहे हैं कि आपका पीर कुछ नहीं कर सकता, ये पैगंबर तुम झूठ बोलते हो, उन्होंने बकरा मार कर जीवित नहीं किया, हम हमारे को झूठा बता दे। तो हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि भी ठीक है, उनको बुला लो, हम एक गाय को मार कर जीवित करेंगे। कुछ उन लोगों ने भी आंट अड़ा दी कि ले तुम इस गाय को जीवित करवा दो, हम मान लेंगे। तो वो दिन निश्चित हुआ, वो गाय वहाँ पर खड़ी कर दी गई और बहुत से दर्शक इकट्ठे हो गए। हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से गाय को मार दिया, लेकिन वो जीवित ना हुई, क्योंकि वो बैटरी डिस्चार्ज होगी। तब परमात्मा को याद किया, कहते हैं तब हम मोहम्मद याद किया कि अरे शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हम तत्काल जवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा और मोमन मोहम्मद का गया अंदेशा, यानी वो भ्रम गया और फिर कहा कि सचमुच आप तो परमात्मा हैं। चार यार मिल मसलत की नी, गौ पकड़ कर बिस्मिल की नी, तब हम मोहम्मद याद किया रे। हाँ, ये दो समय ऐसा हुआ है। एक बार तो हजरत मोहम्मद जी ने स्वयं वचन से मार कर जीवित की, तभी यही स्थिति थी उनके साथ हो गई थी। तो क्या कहते हैं, मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई, ऐसे पीर मोहम्मद भाई, जिन्होंने अनसार रख्या गोसत नहीं बाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। अब क्या बताते हैं कि जब वो गाय जीवित की, परमात्मा उनको जिंदा महात्मा के रूप में गए, और कहते हैं हमने फिर वो गाय जीवित की, लेकिन उस समय मैं परमात्मा करे हैं, हजरत मोहम्मद जी के अतिरिक्त किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, वो जीवित मैंने की, और दर्शक ये मान रहे थे कि हजरत मोहम्मद जी ने जीवित की, लेकिन हजरत मोहम्मद जी को पता लग गया था कि ये मेरी ताकत से बाहर की बात थी। तो क्या बताते हैं, कबीर साहब भी कहते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 180,000 को सौगत जिन नहीं कर चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है, और उसके कुरस पर यानी आसमान के अंतिम छोर पर अलह तकत है, अरस कुरस पर अलह तकत है, उस परमात्मा का तख्त है, और खलक बिन नहीं खली, उस परमात्मा की दृष्टि से कोई भी जीव बाहर नहीं है, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। ओए होए, कहते हैं वो महात्मा जो पैगंबर थे हजरत मोहम्मद जैसे, वो तो एक पुण्य आत्माएं थी, पाक आत्मा थी, पवित्र आत्माएं थी, और परमात्मा के कृपा पात्र थे। फिर क्या बताते हैं कि अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खलक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरस्ते साहिब के अब्दाली, और 180,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया है, कि हजरत मोहम्मद जी के उस समय जब उनकी मृत्यु हुई 180,000 अनुयायी बन गए थे। तो यहाँ ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि उन पुण्यात्माओं ने, मुसलमानों ने कभी मांस छुआ तक नहीं, और आज तुमने ऐसा कर दिया कि मांस नहीं खाते हो तो मुसलमान नहीं, ये तरह के जवाब है। अब इस मुसलमान धर्म के उत्थान को लगभग 1400 वर्ष हो गए, तो इसमें तो ये बुराई घर कर जाना एक स्वाभाविक बात है। अब ये सिख धर्म, इसको लगभग 500 वर्ष हुए हैं, 450 वर्ष बल्कि सिख धर्म के उत्थान को। वैसे तो ये कबीर साहिब के पैरेलल ही नानक साहिब जी समांतर थे, वो उनके समांतर हुए हैं, फिर 600 वर्ष ला लो,
और अब इसमें सिख धर्म में मांस ऐसे खाते हैं जैसे गाजर मूली खाया करते हैं, और ये भी कुछ दिन में कहने लग जाएंगे हमारे गुरुजी भी खाते थे, वो तो महापुरुष ऐसे थे छुया भी नहीं करते, मांस शराब तम्बाकू उनके लिए तो एक बहुत विष के तुल था, और अपने अनुयायियों को वो सिख धर्म के गुरु कभी अलाउड नहीं करते थे, और आज देख लो वहाँ कितनी बिजली गिर गई। तो पुण्यात्माओं इसी प्रकार ये मुसलमान धर्म के अंदर मांस खाने की जो परंपरा है बिल्कुल गलत है। हमारे बच्चे ने कोई खाने लग गए तो कैसा लगे हमको, इसलिए परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि भी मांस खाना महापाप।